बीजेपी नेता संगीत सोम अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इस फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए संगीत सोम ने मेरठ के ज्वालागढ़ चौराहे पर महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी थी। 92 में जो हाल बाबरी मस्जिद का हुआ था, वैसा ही कुछ अब 22 में ज्ञानवापी का भी होना है। संगीत सोम ने कहा कि मुसलमान आक्रंताओं ने मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद खड़ी की थी, उसे वापस लेने का समय आ गया है। संगीत सोम ने आगे कहा कि बनारस में काशीनाथ का भव्य मंदिर निर्माण होगा। वर्षों से रामलला त्रिपाल में रहे हैं, लेकिन अब वे भवन में विराजमान हो रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को ढहाकर भगवान भोलेनाथ का परिवार बसाया गया और अब संपूर्ण मंदिर बनाया जाएगा। अब काशीनाथ मंदिर का वही रूप लेकर आया जाएगा। महाराणा प्रताप की जन्म जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे। बता दें कि सोमवार को वीर शिरोमणि माँ भारती के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की जन्म जयंती ज्वालागढ़ चौराहे पर मनाई गई थी। इस कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम भी पहुंचे थे। इस दौरान संगीत सोम ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर शिरोमणि के जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने रणभूमि में मुगल शासक अकबर को टक्कर दी थी। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस दौरान संगीत सोम ने हजारों की संख्या में आए युवा साथियों का अभिवादन किया तथा जयंती पर महाराणा प्रताप जी का स्मरण कर युवा साथियों को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट IPL।